हेलो एंड वेलकम, दिस इज मोहम्मद मुदस्सिर, आपका अपना व्लॉगर। तो आज है हमारा कौन सा डे व्लॉगिंग का, खैर वो तो याद नहीं। तो करते आज का व्लॉग स्टार्ट। तो मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, आज मेरा बॉटनी का एग्जाम है, बॉटनी का पेपर है आज। तो जा रहा हूँ मैं, आज मौसम बिल्कुल भी सुहाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, फिर से शायद फिर से बर्फ पड़ने वाली है। आप खुदा से दुआ करें कि बर्फ ना पड़े, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो पोस्टपोन हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एग्ज़ाम टाइम पे होना चाहिए, उससे रिदम मेंटेन होती है, अदरवाइज जब पोस्टपोन होते हैं एग्ज़ाम्स तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं निकला अभी घर से अराउंड 10 पे, तो पहुँचना है मुझे कॉलेज। तो कॉलेज पहुँच के आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, चलते फिर। सो गाइस, एग्जाम देके निकले हम, मेरे साथ है राशिक भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप इनको राशिक भाई के नाम से जानते हो, लेकिन हमारा क्या है, हम इनको शफीकुल इस्लाम बुलाते थे स्कूल में, शफीकुल बुलाते थे इनको। तो आज में फेस तो मुथायड वो दड़ रो ऐसे जबान वो ऐसे मना राशिक राशिक ना, तो इस मना शफीकुल पहला मेरा वही नाम था शफीकुल, फिर मैंने चेंज किया राशिक चेंज किया। तो हम दोनों का एग्जाम था आज, पेपर तो अब क्या ही बताएं, पेपर की बात ही ना करो, पेपर की बात छोड़ो आप, पेपर की इनका हिस्ट्री का था, मेरा बॉटनी था। हम दोनों अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे पेपर के बारे में, तो नफरत ही होगी, अब बात नहीं करनी ऑन कैमरा पेपर के बारे में, बात नहीं करनी। सिर्फ इतनी इतला हम देना चाहते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी को, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, आप जानते थे कि पावर कट बहुत दिन तक था, जिसकी वजह से ये पढ़ाई इंटरप्ट हुई। तो इस चीज को नजर में रख के आप प्लीज हमें बोनस में कुछ मार्क्स दे बोनस में ताकि हम क्वालिफाई कर सके। तो अभी राशिक भाई को चेंज ये कुछ ठीक करवाना है पावर बैंक, इसके साथ चलते हैं। परसों लाया था ठीक करवा के, लेकिन हम छ जग त्रवान खराब बेगदा बे सड़न जग खराब गसन, अब फिर से खराब हो गया इनका जग। अभी हम जा रहे हैं मार्केट जाएंगे पहले चेंज करने, तो देखते क्या होता है। बाय। हेलो गाइस, तो पावर बैंक की बैटरी चेंज कर ली हमने, लड़ाई भी होगी। यहाँ पे एक बाईपास आता ना, बाईपास पे उनका नाम मत बोलो ऐसी। हां, मिनी एक गति में से बैटरी टच वारंटी कार्ड सिस्टम में आज रटी नहीं, सिस्टम ना सो बैटरी गई खराब, 3 दिन में दिन बाद अब सिस्टम भी गसन खराब है का सिस्टम ना, क्या करे बस। अभी हमने उसको बोला कि ऐसा है कि वो बार-बार खराब हो रही है, आपने चार्जर चेंज करवाया दो बार, वो दोनों बार शॉर्ट हो गया चार्जर, लेकिन वो पता नहीं वहाँ से हम छोड़ेंगे यार, अल्लाह ताला कह रहे पानी पानी मसला, वो वहाँ से पता नहीं उसको क्या हो गया, सुनो लड़े करने दौड़, मैंने चुप ही गया यार। अब हम चुप करके बैठे, हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आप मसला हो जाएगा। उसका बिहेवियर ऐसा इतना गंदा था ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। और सबसे बेवकूफ बात जो उसने कही कि वो कह रहा तुम कंपनी को जाके मेरे चीज ऐसा नहीं होता, तुम एवन चाय दन चेना तुम नियो ऐसे प्रोडक्ट ताकि लॉस गेस ना प्रोडक्ट का कहीं खराबी तुम भी सुना उस का जानवा। और वो अभी अभी वो कह रहा है कि आप कंपनी को जाओ, कंपनी को जाके ये बताओ कि ऐसा है। देखो आप एक कंपनी 15,000 बैटरी वो क्या कंपनी 2,000 खर्चा हम भी कंपनी में फायदा क्या है उसको। तो अभी आए हम यहाँ पे बाईपास रोड पे कुछ खाने आए हैं, तो छोले खाने आए तो छोले खाएंगे आप, देखते उसके बाद देखते क्या होगा। अभी छोले आ रहे हैं, चाचा ला रहे हैं, ये देख सकते हो आप छोले को महंगा साबित करने के लिए ऊपर अंडा रखा हुआ है। तो बिजनेस, दिस इज बिजनेस, चाचा बोल रहे ठूल से सही टकोर। तो खाना पीना हो गया, अभी हम चल रहे घर की तरफ, अभी गाड़ी में चढ़ेंगे, घर पहुंचेंगे। सर्दी भी बहुत है, सीरियसली बहुत ज्यादा सर्दी है,
मतलब कल से भी ज्यादा इतनी सर्दी मैंने आज तक नहीं देखी है जितनी सर्दी आज है। तो काम एक करते घर पहुँचते, थोड़ा बहुत आराम कर लेते, उसके बाद फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं घर। अभी फेरन वेरन पहन लिया मैंने, कांगड़ी नहीं, अभी कांगड़ी भी लाऊंगा क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। मुझे इतनी सर्दी लग रही ना, सीरियसली मैं मतलब क्या ही बताएं अब आपको। मेरे हाथ, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है सर्दी से, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सर्दी है। और फेरन और कांगड़ी इतनी इम्पोर्टेंट है ना, अगर किसी कश्मीरी को 10 दिन तक खाना नहीं दोगे ना तो वो जिंदा रह पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे फेरन या कांगड़ी में से किसी चीज को भी छीना गया तो वो ये समझता है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और वो मतलब कुछ भी कर सकता है। फिर वो काबू में ही नहीं आ पाएगा, वो बिल्कुल जानवर बन जाएगा, क्योंकि फेरन और कांगड़ी जो है यही दो चीजें हैं जिनसे कश्मीरी को विंटर में प्यार हो जाता है। ठीक है, तो वैसे मुझे भी प्यार हो गया इन चीजों से, लेकिन अभी एक चीज मेरे पास नहीं है। अगर नहीं थी घर में, अभी मुझे कांगड़ी नहीं दी गई, तो मैं भी वॉयलेंस पे उतर आऊंगा, बर्तन तोड़े जाएंगे और भी पता नहीं क्या क्या चीजें, शीशे तोड़े जाएंगे मकान के। तो मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। यहाँ से जाके कोई घर में जाएगा, कांगड़ी नहीं मिलेगी, वो शीशे तोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी चल रहे हम, अभी चाय शाय पियेंगे, थोड़ा बहुत टाइम घर पे स्पेंड करेंगे, हीट अप करेंगे बॉडी को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं। तो चेहरे पे मेरे है खुशी इस टाइम, वरना मैं सैड था बहुत। ये खुशी इसी लिए आई है क्योंकि पेट में कुछ गया, चाय शाय पी ली, अभी कुछ दोस्त मिले मुझे, इनके साथ घूमने निकला। लेकिन ये कैमरा में नहीं आना चाहते, पता नहीं इनके साथ क्या मसला है, कोई भी नहीं मान रहा है। कोई नहीं, मुझे स्टार बनने दो, उसके बाद ये सब कहेंगे वही में थे। तो इस व्लॉग को एंड करते करते कुछ सुनाना चाहता हूँ मैं आपको कि तमन्ना चाहने दीदारुक छुमो यंबर जले बुम्बरो फजस यामक लजस वुचने गजस चाने कले बुम्बरो तमन्ना चाहने दीदारुक छुमो यंबर जले बुम्बरो। थैंक यू। तो आज का व्लॉग इधर ही करते हैं खत्म, मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।